यूसीसी पर जारी बहस के बीच पूरी दिल्ली के शाहदरा इलाके में यूसीसी को लेकर रथ यात्रा शुरू की गई। इस रथ यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई, जिसका जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता ने। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली इलाके के शाहदरा से एक रथ यात्रा है ये शुरू की जा रही है। रथ यात्रा का मूल उद्देश्य है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी कानून क्यों जरूरी है, इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता जनता के बीच में पहुंचाना। इस दौरान ये जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है जो इस कार्यक्रम को कर रहा है, इसने तकरीबन ऐसे 1,00,000 पंफलेट्स छापे हैं जिसमें जो समान नागरिक संहिता है उसके फायदे गिनाए गए हैं, और फिर यदि लोग सहमत हैं तो उनका नाम पता व हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और फिर इन पंफलेट्स को जो विधि आयोग है उस तक पहुंचाया जाएगा। ये रथ बनाए गए हैं लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। नुक्कड़ सभाएं होंगी, 10 विधानसभाओं में प्रोग्राम होगा। किस तरीके से क्यों जरूरी है यूसीसी? यूसीसी से इसलिए जरूरी है कि सबका एक समान कानून बने ताकि कोई जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का उल्लंघन ना करे। एक समान रहेगा तो सबको एक बराबर सजा मिलेगी या एक बराबर मतलब जो भी है बिल लागू होगा। अवेयरनेस पहुंचाएंगे आप लोग इलाके में? हाँ जी, घर घर पहुंचाएंगे और जिसकी सहमति होगी उससे हस्ताक्षर करवाएंगे, मोबाइल नंबर, घर का पता सब होगा और उसकी सहमति से होगा। सहमति से होगा तो इस तरीके के पंपलेट्स जो हैं, जो हमारी केंद्र सरकार एक्शन लेती है ना, और जो हमारे श्री जय भगवान गोयल जी बात कहते हैं, जो केंद्र सरकार काम कर रही है वो सही निर्णय लिया गया है, कुछ भी लिया गया है वो सोच समझ के, कोई भी एक्शन समझ के निर्णय लिया गया है। अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के 1,00,000 पंपलेट्स छपाए गए हैं और इस तरीके के जो रथ हैं वो यहाँ पर बनवाए गए हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा है जहाँ पर 2020 के दौरान शांति भी भंग हुई थी, उस पूरी लोकसभा की 10 विधानसभा में इन रथ को ले जाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मणिदीप शर्मा। मुजफ्फरनगर में दंपति की मौत का वीडियो वायरल हो रहा।